और अभी भी लगातार बमबारी जारी है। ये जो फायरिंग है, ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं, ये लगातार हो रहे हैं। गोलियों की ये गूंज इस्लामाबाद तक जाएगी। धमाकों की ये आवाज रावलपिंडी को भी दहलाएगी। एक एक आतंकवादी के गुनाह का हिसाब होगा। हर दहशतगर्द को बिल से निकालकर दोज़ख का टिकट थमाया जाएगा। पाकिस्तान के भेजे हर सफोले का इसी तरह इलाज होगा। एलओसी के पास पीओके में बैठे पाकिस्तान के हर पापी के सर पर इसी तरह बारूद बरसेगा। क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक और एयर स्ट्राइक होने वाली है? क्या पाकिस्तान पर आखिरी प्रहार का मुहूर्त फिक्स हो चुका है? क्या पिंडी कनेक्शन वाले आतंकवादियों की सफाई की टाइमलाइन तय हो चुकी है? इन सवालों की वजह कोई और नहीं, बार बार पिटता रहा वही पाकिस्तान है जिसके सपोलों ने एक बार फिर भारत के अमन से खिलवाड़ की जरूरत की है। बहुत वेरी गुड, बहुत सही। ये बंदा भागा, बंदा भागा नीचे, मुंह के साइड से नीचे भागा है। जानते हुए कि इन्हीं जगह में, इन्हीं हाइडआउट्स में, इन्हीं केव्स में छुपे हुए हैं आतंकवादी, पिछले 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी लगातार बमबारी जारी है। चुनौती इन इलाकों में, इन फायरिंग में सबसे बड़ी ये होती है कि यहाँ से ऊपर चढ़ना पहाड़ पर जितना चुनौतीपूर्ण होता है, ऊपर से नीचे देखना उतना ही आसान होता है। कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग में पहाड़ियों से उठता ये धुआं बता रहा है कि हिंदुस्तान का सब्र किसी भी वक्त टूट सकता है। भारत की हुंकार, पाकिस्तान की तबाही का रोड मैप तैयार। रेडी है ब्लूप्रिंट, बारूदी मिशन का सबसे बड़ा हिंट। दहशत गर्दों के भरोसे पाकिस्तान मिट जाएगा नामो निशान। जिन्ना लैंड का आतंकी एजेंडा, एलओसी पार भी लहराएगा तिरंगा। इसका प्लान सेट हो चुका है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलने लगा है। ये सिग्नल क्या है, कहां से आया, इसका अबू धाबी और दिल्ली से क्या रिश्ता है, सब बताएंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि पाकिस्तान की सांस तभी तक चल रही है जब तक भारत का धीरज कायम है। अगर ये टूटा तो वो घमासान होगा कि जिन्ना के मुल्क की आने वाली नस्लें भी कांप उठेंगी। मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा और ये जो हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। सीमा पार से पाकिस्तान के द्वारा जो घुटपैठ होती थी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पिछले 9 सालों में हुई है, रिकॉर्ड आतंकवादियों को मारा भी गया है और इस आतंकवादी हमले की भी करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की बर्बादी का मैसेज क्लियर है, हिंदुस्तान का प्लान रेडी है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन कब होगा, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन कहां होगा, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन कैसे होगा, किन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, ये कोई और नहीं भारत तय करेगा, अपनी मर्जी से तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि जब एक्शन होगा तो ऐसा होगा कि पाकिस्तान अपने पैदा होने पर भी शोक मनाएगा, क्योंकि जिन दहशतगर्दों के दम पर वो गड़बड़ियां करता रहा है उनके सफाई की मुहिम शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान को मिलने वाले पनिशमेंट की पूरी इनसाइड स्टोरी हम बताएंगे। Thank you.